इतिहास में सबसे बड़ा दान देने वाला शख्स जिसे शायद आप ना जानते हो। आज हम आपको एक ऐसे निजाम के बारे में बताने वाले हैं जिसने मुल्क की रक्षा के लिए 5 टन सोना दान में दिया था। बात 1965 की जंग के दौरान की है, जब भारत पाकिस्तान से युद्ध जीत चुका था और पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारतीय इस जीत का जश्न ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि उनके सामने दूसरा खतरा चीन के रूप में खड़ा हो गया था और जंग में भारत की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी और देश इस स्थिति में नहीं था कि वह खुद युद्ध लड़ सके। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संभावित खतरों से निपटने के लिए उन हालात में भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरे के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष का गठन किया और भारत सरकार ने राजाओं से सहयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री शास्त्री ने रेडियो के माध्यम से लोगों और राजे रजवाड़े के सेना के लिए मदद मांगी। प्रधानमंत्री की इस बात को हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली भी सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत शास्त्री जी को हैदराबाद आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। निजाम का निमंत्रण मिलते ही प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने हैदराबाद का रुख किया और तुरंत ही हैदराबाद पहुंच गए। निजाम उस्मान अली ने उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर स्वागत किया तो शास्त्री जी को मालूम था कि निजाम हैदराबाद मीर उस्मान अली उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। निजाम से भारत चीन संघर्ष के चलते स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष में योगदान देने का अनुरोध किया तो मीर उस्मान अली ने घोषणा की कि भारत सरकार को 5 टन सोना राष्ट्रीय रक्षा कोष की स्थापना के लिए दे दिया जाए। निजाम की इस घोषणा ने सबको हैरत में डाल दिया था। ये भारत के इतिहास में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किया गया सबसे बड़ा दान था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1500 से 1600 करोड़ रुपए है। मीर उस्मान अली हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे और उस वक्त मीर उस्मान अली विश्व के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। मीर उस्मान अपनी मितव्ययिता के लिए मशहूर थे। उस्मान अली ने अंग्रेजों के चले जाने के बाद 1947 में भारतीय संप्रभुता के आगे समर्पण करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के साथ विशेष गठबंधन की दुहाई देते हुए निजाम संयुक्त राष्ट्र संघ में हैदराबाद की पूर्ण स्वतंत्रता का अपना मामला रखा। उन्होंने अपनी सत्ता का समर्पण करने की भारत की चेतावनी को अस्वीकार कर दिया। लेकिन सितंबर 1948 में भारतीय सैनिकों की शक्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ा। उन्हें रियासत का राज प्रमुख बनाया गया परंतु उन्हें निर्वाचित विधायिका के प्रति जवाबदेह कैबिनेट मंत्रियों की सलाह पर चलना था। यह व्यवस्था 1956 के सामान्य सीमा पुनर्गठन के चलते उनकी रियासत के पड़ोसी राज्यों में विलय करने तक कायम रही। एक समय में विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक उस्मान ने इटली के बराबर रियासत पर राज्य किया। मीर उस्मान अली खान जो अरबों रुपयों के हीरे को अपने ऑफिस में पेपर वेट की तरह यूज करते थे। उस्मान अली बेहद साधारण किस्म का जीवन यापन करते थे। ऐतिहासिक दान देने के कुछ साल बाद 24 फरवरी 1967 को मीर उस्मान अली का देहांत हो गया और वो सदा के लिए इस धरती से विदा हो गए। लेकिन आज भी मीर उस्मान अली दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं।